ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਕੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ मंच से विराजमान वीर लखा सदाना जी मेरे नाल किसी समय मोढ़े नाल मोढ़ा ला के आम आदमी पार्टी की सेवा करने वाले मेरे वीर दविंदर सेखों जी सरदार कमलजीत सिंह संधु साहब और सारे ही सत्कारयोग साथियों दास फतेह अज करता है फतेह प्रवान करना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत सारे बुलारिया ने अपने अपने जिहड़े विचार रखे उन्होंने विचारां दे विच सरकारां दे प्रति गुस्सा सरकारां दे प्रति मतभेद सरकारां दे प्रति उन्हां नाल कीते हुए वतीरे दा जिहड़ा दर्द है वह उन्हां दे विचारां च दिसदा सी क्योंकि मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरी सरकार दे विच या मगरली सरकार दे विच की होया नहीं होया मैं कोई कंपैरिजन नहीं करांगा क्योंकि जो होया वो जग जाहर है। असी सोशल मीडिया ते भी टैली मीडिया ते भी प्रिंट मीडिया ते भी और जिवें जिवें साडी जानकारी दे सोर्सेज ने असी उन्हां सोर्सां राही साडी उह जानकारी दे विच आउंदे भी रहे और आपां पिंड दे विच गलियां दे विच परिवारां दे विच असी उन्हां ते विचार वटांदरा करदे भी रहे। ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਈ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਗੂ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫਤਿਹ ਔਰ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ क्योंकि संघर्ष के जो लोग वड्डी गिनती दे विच आउंदे ने विचारां दी सांझ पैंदियां ने जानकारी वधदी भी है और जानकारी शेयर भी हुंदी है। देश का इतिहास गवाह है इस गल का कि कोई भी जंग बिना संघर्ष तो अज तक नहीं जीती और मैं मेरा निजी तौर पर मनना है कि संघर्ष होने भी चाहिए ने मोर्चे लगने भी चाहिए ने पर उन्हां मोर्चियां दे पिछे जिहड़ी सोच है उन्हां मोर्चियां दे पिछे जिहड़ी विचारधारा है वह सरबत दे भले लई होवे तां वह मोर्चे नहीं वह इतिहास बणदियां ने। किसानी मोर्चा लग्गिया सरबत दा भला होया इतिहास बनिया चाहे सरकार मेरी आम आदमी पार्टी की होवे चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की रही होवे गल पंजाब की जवानी की चली गल नस्लां दी चली गल फसलां दी चली मेरा यह निजी तौर पर मानना है कि सानू संघर्ष बहुत पहला करना चाहिए सी उदों करना चाहिए सी जदों पंजाब की जवानी नूं दाग लाया जा रहा सी जदों पंजाब की जवानी नूं भेट चढ़ाई जा रही सी सानू उदों भी संघर्ष करना चाहिए सी सानू संघर्ष उदों भी करना चाहिए सी जदों पंजाब का दिमाग पंजाब की जवानी
साडे बच्चे बाहर जा रहे सी सानू उदों भी संघर्ष करना चाहिए। गल चली नशे की, गल चली विदेशों की। मैं कोई पोलिटिकल कमेंट नहीं करूंगा, मैं कोई किसी मेरे वीर ने जो भी आपके विचार की सांझ पाई मैं उन्होंने कट्टूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो विचार की सांझ पाई बिल्कुल सच पाई है। यह हो रहा पंजाब च, पर मैं आपका निजी विचार जरूर रखूंगा। दूजे तीजे पिंड तो उठ के कोई साढ़े पिंड आके नशा वेचता और आपां चुप रहने, आपां चुप क्यों रहने? क्योंकि उदों तक उस नशे की सेक है वो अपने परिवार को नहीं लगी होंगी। असीं कदों बोलते हैं? जदों साडे परिवार उस सेके दे विच आ जांदा है। सरकारां दा काम है नशे नूं खत्म करना, और असीं कर भी रहे हां, असीं आपदी कोशिश कर भी रहे हां, ईमानदारी नाल कर रहे हां। और साडी ईमानदारी किन्नी की सच्ची है, और साडी ईमानदारी किन्नी की साफ और बेदाग है, यह पंजाब भी जानता है और परमात्मा भी जानता है। पर मैं समझता कि सानू एक संघर्ष करने की लोड़ है, वो लोड़ है सानू पिंड दे विच कट्ठे होके, क्योंकि आज हर पिंड दे विच किसान आगू बैठे ने। जथेबंदियां बहुत बन गई, जथेबंदियां भावें 50 बन जाण, सानू इस गल की खुशी होनी चाहिए कि साडे पिंड दे विच 50 आगू बैठे ने। और जे वह 50 आगू, क्योंकि हर इकाई जिन्हां भी जथेबंदियां बनियां ने उन्होंने हरेक की इकाई पिंड दे विच हैगी है, उन्होंने आगू साहिबान बैठे ने। सानू एक गल की खुशी होनी चाहिए कि साडे पिंड दे विच 50 आगू बन गए ने, 50 बुलारे बन गए ने, जिहड़े कि वख वख विशियां दे उत्ते किसी भी टाइम किसी नूं भी जवाब दे सकदे। और जेकर यही 50 आगू यह फैसला कर लन कि असीं पिंड दे विच नशा वड़न नहीं देना, असीं नशा विकन नहीं देना, तो मैं समझता कि किसी माई दे लाल की जरूरत नहीं हैगी कि साडे पिंड दे विच एक पुड़िया भी कोई सप्लाई करके चला जाए। सानू लिखना चाहिए यह संघर्ष, और जिस दिन असीं यह संघर्ष उलीक लिया, जिस दिन असीं यह संघर्ष बना लिया, ना चिट्टे की मार हो भावे गोलिया की मार हो, दिना से उड़ गया दिना से। सानू लोड़ है जिस चीज की, आप कहने कि रेता का माफिया चलता है, सानू एक संघर्ष यह भी करना चाहिए कि जिहड़ा पिंड दे विच नजायज रेत वेच के सरकार नू घाटा दे रहा, साडे नैचुरल रिसोर्सिस नू घाटा दे रहा, सानू उहदे खिलाफ भी संघर्ष करना चाहिए। असीं घरां दे विच वड़ के तां गल करदे, उहने टिप्पण पाले, असीं गल करदे आ कि उहदे 10 ट्राले रेता वेचदा, सब कुछ करदा, सानू पता कि उह साडा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੱਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ।
और मैं बोलिया भी जेकर थोड़े को वीडियो हो तो तुम ओनू एक एक शब्द उहदे च सुनिएगा। मैं उहदे च क्या सीगा कि मैं माननीय स्पीकर साहब सरकार दे ध्यान दे विच लाना चाहुंदा और अपील करदा कि राजस्थान गवर्नमेंट मैं स्पैशल ना लिया सीगा कि राजस्थान गवर्नमेंट और उस तो उहदे नाल कोई कंसर्न सरकार है। कंसर्न सरकार कहड़ी? भावें उह सेंटर है भावें कोई होर सरकार है, उन्हां नाल तालमेल करके सानू इस मसले का हल करना चाहिए और सानू पंजाब दे पानियां दा रखवाला बनना चाहिए। साथियों दो तीन बारी जिक्र होया कि साडे हलके दे विधायक साडे हलके दे एमएलए साहब बैठे ने। संधू साहब ने गल कीती कि पहला भी मोर्चे च आए, इन्होंने पहला भी गल कीती तो मैं एक गल क्लीयर करदा तुहानू सारे नू कि अज जेकर मैं इस स्टेज ते बतौर हलके दा सेवादार बन के हलके दा नुमाइंदगी करदा होया जे मैं अज एमएलए हाँ तो मैं तुहाडे करके हाँ, तुहाडी बदौलत है। जे तुसी नहीं तो मैं एमएलए भी नहीं। मेरी एमएलएशिप तुहाडे करके है। जे मैं थोड़ी गल नहीं करूंगा तो मैं वो एमएलएशिप नहीं चाहिए और जेकर थोड़िया मंगा दे उत्ते क्योंकि आ जड़ी सारी बेल्ट है कल खुर्द दियां जड़ी जोड़ियां नहर 30 to 35 के करीब पिंड इस सारे नू कवर करते हैं और इलेक्शन जितन वास्ते या एक पिंड दी वोटा भी बहुत होंदी ने, तां 30-35 पिंडां दा कारवा है। जे तुहाडे हक दी राखी लई जेकर तुहाडे लई मैनू अपनी एमएलएशिप भी बाहर नहीं पवे तां मैं पिछे नहीं हटांगा, मैं उसे दिन आपका इस्तीफा लिख के दे दूंगा। मैं सरकार दे ध्यान दे विच लैके आया, मैं अज तो 15 दिन पहला भी मानयोग सीएम साहब के प्रिंसीपल सैकटरी साढ़े रवि भगत जी ने मैं उन्होंने गल की और जो जो मेरी उन्होंने 6 तरीक की गल है शायद 6 अप्रैल की और जो जो गल होंगी रही मैं सरदार कमलजीत सिंह संधू साहब को अपडेट देता रहा कि संधू साहब हुण गल इस पड़ाव से है, हुण गल इस पड़ाव से चल रही है, हुण गल एडा चल रही है। और मैं नहरी महकमे के जो एक्सीएन एससी साहब ने मेहंदी दत्ता जी उन्होंने भी डिस्कस करता रहा, मेरी किशन कुमार जी भी एक बार गल हुई सी, मैं तुम्हें अपडेट नहीं दे सकिया लेकिन उधर हुई। और अज क्योंकि 3-4 दिन पहला संधू साहब न गल हुई, अज का शुक्रवार का प्रोग्राम बनिया, मैं कल रात 9 बजे तक जलंधर से, मैं जलंधरों नकोदर आ भी गया सी। फिर मैं पता लग मैं याद है एकदम कि यार मैं आप कल उत्थे भी जाना है, मैं नकोदर तो फिर वापस होके चंडीगढ़ गया, रात उत्थे पहुंचे और अज मैं एडिशनल चीफ सैकटरी साढ़े जेडे वेनू प्रसाद जी ने सीनियर आईएएस अफसर ने सीएम साहब के एडिशनल चीफ सैकटरी ने मैं उन्होंने भी गल की, 3-4 होर सीनियर अफसर साहबान गल की और अज फिर ताजा यह मुद्दा मैं उन्होंने को रखा। सो जो जी गल विचार के नाम निकल के आई वह गल यह है कि फिलहाल मैं शब्द यूज कर रहा फिलहाल अजे कोई भी इदा की प्लैनिंग नहीं है कि मचाकी दिया जी झाल ने इधर तो लैके हरिके तक की यह जी बेल्ट है इनू रीलाइनिंग या तरपाल पा के या लफाफा पा के कोई काम करने की प्लैनिंग चल रही है। ਸਾਡੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਐਸ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਟਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 17
17,900 तो लैके 4,96,000 तक पास होया है, जिस दे संबंध विच नहरी विभाग वालों इस साल राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग की बुरजी नंबर 22,20,000 तो लैके 4,96,000 बाकी रेंदा काम करवाया जा रहा है, जो पिंड मचाकी मल सिंह जिला फरीदकोट तो हेठ, क्योंकि नहरी महकमे दे विच इनू अप गिणिया जाता है, इनू डाउन स्ट्रीम गिणा जाता है, डाउन स्ट्रीम वल नू शुरू हुंदा है। इत्थे आप जी नूं सूचित किया जाता कि इस बंदी दौरान राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग का होर कोई काम नहीं करवाया जा रहा। फिलहाल एक साल तक, मैं तुहानूं खुला टाइम दे देना, फिलहाल एक साल तक इधरलियां नहरां इधरले पासे दा जिहड़ा काम है वह नहीं होना। और मैनूं लगदा कि साडे कोल एक साल का बहुत वधिया समा हैगा कि आपां इस दौरान, पिछले हफ्ते जदों संधू साहब आए सी, भाई दविंदर सेखों जी आए सी, उदों आपां गल इह कीती सी कि आपां इहनूं फिलहाल टाइमिंग आपां इह धरने नूं आपां चक लैणे, आपां इहनूं ड्रॉप नहीं करांगे। इस दौरान आपां अपनी गल्लबात टेबल टॉक अफसरशाही नाल जां सरकारां नाल, भावें राजस्थान गौरमेंट है भावें सेंट्रल गौरमेंट है, असीं आपदी कॉरसपोंडिंग जिहड़ी हैगी है, जिहड़ी साडा पत्र भी आ रहा वह चलता रहेगा। सो फिलहाल एक साल का साडे कोल समा है, इन्हां एक साल के दौरान साढ़े कोल एक साल का जिहड़ा समय हैगा, इस दौरान असीं काम करांगे। और मैनूं हुणे ही SDO साहब ने दस्सिया है, और जो तुहाडे लई भी खुशी की गल है वह यह है कि फिलहाल आ जिहड़ी डाउन स्ट्रीम है इहदा प्रोजेक्ट ही हाले तक पास नहीं होया। क्योंकि जे प्रोजेक्ट पास नहीं होया तां उहदे वास्ते फंड नहीं है, जे फंड नहीं तां काम नहीं शुरू होना। और मैनूं नहीं लगता कि आउण वाले 3-4 सालां दे विच इस लाइन दी किते वारी आएगी, मैनूं नहीं लगता। मैं कल भी तुहाडे नाल सी, मैं अज भी तुहाडे नाल हां, मैं कल भी तुहाडे नाल रहूंगा। मैं भावें राजनीति दे किसी भी खेत्र दे विच होवां, किसी भी मुकाम ते होवां ना भी होवां, पर हलका देहाती दा वासी होण वास्ते वासी होने के नाते और इस मोर्चे का किसी ना किसी रूप के डायरैक्ट या इनडायरैक्ट रूप के मैं इस मोर्चे का हिस्सा होने के नाते मैं थोड़े नाल हाँ। जिथे मेरी जरूरत होगी मैं चलूंगा। 26 अप्रैल नूं साढ़े नहरी महकमे के जिहड़े सीनियर अफसर ने कृष्ण कुमार जी और उस दे नाल कुछ होर अफसर साहबाना की मीटिंग जिहड़ी हैगी है मोर्चे के आगुआ नाल रखी गई है। मैं खुद उस दिन तुहाडे नाल चलूंगा और मैं उस मीटिंग दे विच हाजिर भी रहूंगा। मैं ये सौ खादी सी विधानसभा दे विच कि जो मेरी जिम्मेदारी बनेगी मैं तनदेही दे नाल कानून अते संविधान दे दायरे दे विच रह के मैं आपकी सेवा निभावांगा। सो मैं अपने बचना दे उत्ते और अपनी सौ दे उत्ते कायम हाँ। जिथे भी जरूरत होगी मैं थोड़े नाल खड़ूंगा, क्योंकि संधू साहब ने एक गल की कि इन्होंने आपकी सरकार के खिलाफ भी शब्द बोले, खिलाफ कुछ भी नहीं होता, बशर्ते गल करन दा अपने कोल एक ढंग होना चाहिए और एक आधार होना चाहिए। सो मैं जो भी सरकार का फैसला सी, जो भी चिट्ठी सी, अज मैं थोड़े सन्मुख रूबरू की है, उन्हें पढ़ के भी सुनाया, और जिन्हें भी विचार मैं थोड़े को नाल सांझी कीती है, इहदे च सूई दी नोक जिन्ना भी कोई फर्क निकलिया तां मैं थोड़ा देनदार होऊंगा। सो इन्ना कहिंदा होया मैं तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने मैनूं मौका दित्ता बोलण दा। और मैं मैनेजमेंट कमेटी प्रबंधकां दा, भाई लखा सिधाना जी दा और सारे ही आगू सहमाना नूं
मैं हाल की घड़ी तक दी जो जित अपनी झोली दे विच पई है मैं तुहानू सारे नू बहुत बहुत मुबारकबाद भी दिंदा। विचारां साझियां करदे जेकर किसी दे मन नू कोई ठेस पहुंची होवे जां किसी नू लग्या होवे कि मेरे शब्द किसी दे शान दे खिलाफ गए होण तां दास दोवें हथ जोड़ के खिमा दा याचक है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।